हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज तो मेरा मूड पूरा बहुत ख़राब हो गया है गाइस। ब्लॉगिंग बिल्कुल करने का मन नहीं था क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड से हो गई लड़ाई और आराध्या भी अपने पापा का साइड सिर्फ ले रही है। वो कह रही है माँ आप पापा से ऐसे बात मत करो, और पापा को ये नहीं बोल पा रही है कि पापा आप ऐसे बात मत करो माँ से। सो वीडियो देखिए और आराध्या देखिए हमारी बॉटल कट कर रही हैं। आज का ये इनका है। आप क्या कर रहे हो? बॉटल को कट कर रहे हो? अच्छा जी। और मेरे डियर हस्बैंड जी सबको मतलब कॉल करके बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, क्योंकि कल ही मेरी बेटी का बर्थडे है और ज़्यादा वैसे कुछ खास अच्छे से मनाया नहीं जा रहा इस बार, इसलिए क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही एक आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर बार बहुत अच्छे से हम लोग मनाते थे, तो रीज़न ये है कि आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसके वजह से हम लोग बहुत नॉर्मल बस ऐसे फैमिली में बाहर के मतलब वैसे ज़्यादा लोग को इमेज नहीं किया जा रहा, जैसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं, मतलब किसी को दुख पड़ा और किसी को खुशियाँ, तो ऐसा गलत है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि नॉर्मल भी ऐसे मना लेते हैं। और झगड़ा किस बात पे हुआ तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं पूरी बात बताऊंगी आप सभी। तो वहाँ पे हस्बैंड जी मेरे बातें कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी कि यहाँ पे बात करना सही नहीं होगा। और मॉर्निंग में मैं उठी हूँ और उसके बाद मतलब जैसे कि मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो मैंने कहा बाबू बस ये हेल्प करा दो कि बेडिंग में जो लगेज है वो सब बहुत भारी है, आप वो सब निकाल दो, मेरी हेल्प कर दो। लेकिन उनको वो मतलब जैसे कुछ जैसे होता है ना, मन में कुछ बात हो लेकिन वो बोल नहीं रहे मुझसे, बस उसी बात को लेके इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान बताएगा ना तो मुझे रीज़न पता चलेगी, जब बताएगा ही नहीं तो रीज़न कहाँ से पता चलेगी। तो बाथरूम में टावल लिए, बाथरूम में गए नहा वहाँ के अपना, मतलब मैंने दो बार बोला लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने आराध्या को नहीं लाया और खुद अपना खाना वाना खा लिए व्रत वाला, जैसे कि वो 9 दिन का व्रत है। और वहाँ पे मैं इतना दुखी हो गई कि बताओ मुझे इतना भारी लगेज कैसे मैं उठाऊँगी। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं देखा, उनकी आंखों के सामने मैं लगेज उठा रही थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, लड्डू तुम मत उठाओ मैं देख ले रहा हूँ। कभी कभी इतना केयर करेंगे, इतना प्यार जताएंगे जैसे लगेगा वर्ल्ड के सबसे अच्छे हस्बैंड तो यही है, लेकिन जब गुस्सा करते हैं तो लिमिट क्रॉस। तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी कपड़े डालने, और इसी बहाने मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ कि क्या बहस हुई थी उनसे। गुस्सा होके वहाँ बैठने का मन करता है तो मैं हमेशा बालकनी में ही आ जाती हूँ। बालकनी में इस टाइम बहुत धूप हो रखी है, मैं यहाँ अंदर जाने के लिए जो सीढ़ी है यहाँ पर मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, और देखो कौन आता है कौन नहीं आता है। और मैंने अभी आगे वीडियो में बताया है कि ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि बगल में ही उनका घर है, मतलब ये बचपन के दोस्त हैं जो उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हर बार वो लोग आते थे आराध्या के बर्थडे में। हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन छोटा बड़ा जो भी होता था वो लोग आते रहते थे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि यहाँ पे ज़्यादा ओवर दिखाओ या ऐसा। बर्थडे होता है तो कुछ शोर शराबा तो होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट हम लोग ऐसा सोचे हैं कि जिस लेवल का हम लोग सोच रहे थे उस लेवल का नहीं करेंगे और नॉर्मल सा ही करेंगे। यार छोटा हो या बड़ा हो बस खुशियां तो बच्चे के लिए होना चाहिए तो करना ही है, और हमारे लिए तो खुशी की बात ही है कि हमारी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई और आगे भी ऐसे स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो देखो वीडियो में बने रहिए, देखो कौन कौन आता है। वैसे ज़्यादा लोग को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस लेवल का हो ही नहीं रहा है, यही सब है। गुस्सा हूँ मतलब नाराज हूँ, जैसे होता है ना कि मतलब भाई हम नाराज हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि हस्बैंड को भी मनाना चाहिए, बट वो अपना खा पी के मस्त हो गए, अपनी बेटी के साथ मोबाइल चला रहे हैं और मैं उसी रूम में बार बार जा रही हूँ लेकिन एक बार भी मुझे देख नहीं रहे और ना ही कह रहे हैं कि लड्डू तुम खाना खा लो, तो बोल रहे हैं कितने दिन नहीं खाओगी। तो मैंने कहा जब तक हो पाएगा उतने दिन नहीं खाऊंगी। वह तो ऐसे कोई मनाता अपनी वाइफ को? आप लोग मनाते हो ऐसे? आप लोग कैसे ऐसे करते होते हो? यार एक छोटी सी बात को लेके, एक लगेज को लेके मुझे इतना मतलब क्या ही बताऊं।
ट्रेन जा रही है उसका बहुत लाउड जाता है तो आवाज़ नहीं जाएगी मेरी। मैं सोच रही थी ना कि आराध्या का इस बार बर्थडे ही ना मनाऊं, जब कुछ लोगों का मुंह ऐसे फूला रहेगा तो क्या मतलब है, ऐसे खुशियां किस काम की जब कोई मुंह फुलाए रहे। जब भी मैं नाराज होती हूँ ना तो मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, मतलब मैं घर पर बहुत साफ करने लगती हूँ। आज मैंने अपनी बेटी का अलमारी भी साफ कर दिया, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं सोच रही थी उस सब वीडियो शूट कर, लेकिन मूड नहीं था, क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने अपने बाबू का सब कपड़ा सेट करके रख दिया, और ये सब कपड़े और ये इसके बैग ये सब इसके डेली वेयर वाले कपड़े हैं जो घर पे पहनती है, और ये सब उसके आने जाने वाले कपड़े हैं। ऐसे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बीवी कुछ खाए या पिए चाहे जो करे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और ये जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने, और मैं जा रही हूँ सोने। और मैं वही सब सोच रही थी कि बेड खोली हूँ तो सब कपड़े निकाल लूँ और शादी में क्या पहनना है डिसाइड कर लूँ, लेकिन ये सब हो ही नहीं पाया। अब फिर उसके लिए मैं अलग से फिर देखूँगी क्या पहनूँगी, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। दो तीन कपड़े मैं निकाली हूँ और नहीं समझ में आएगा तो एक मार्केट से लूँगी, और एक लिया है मैंने लेकिन उसको मैं दिखाऊँगी नहीं। और बस यही सब है, लड़कियों का तो यही प्रॉब्लम रहता है शादी में क्या पहनना है, और फिर उसके बाद यूज होने के बाद वो बेड में ही चला जाता है, तो फिर दोबारा फिर यही शादी में पहनूं उसी शादी में या दूसरी शादी में, बात यही होती ना। मैं तो एक बार पहन चुकी हूँ ना उस जगह, तो रीज़न ये रहता है सारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है, एक बार जो ड्रेस पहन लेते हैं फिर उसको दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? लेकिन हाँ, जैसे अगर जगह चेंज हो और दूसरी जगह, जैसे आपके मतलब आप कहीं शादी में अटेंड किए हो फिर वहीं के लोग फिर उस जगह पे आए तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर नए जगह पे वहाँ पे उस वो लोग नहीं पहुँच रहे तो आपके लिए वो ड्रेस यूज़ में आ जाएगा। लेकिन अदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदर से फील होता है, अगर पॉसिबल है न्यू लुक में या ऐसा कुछ तो पहन सकते हो, वरना वो रिपीट करने का मेरा तो नहीं मन करता भाई। तो मैं देखो क्या पहनती हूँ, और आराध्या का है कल मेरे बर्थडे में, देखो मैं सूट पहनती हूँ या साड़ी पहनती हूँ, नॉर्मल सा ही पहनूंगी। और पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, वो भी ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगी शाम को। बहुत देर से मना रहे हैं, मान नहीं रहे। ऐसे कौन मनाता है, देख रहे हो एक साइड से मेरे पैर को ऐसे पिंच करके दबा के मसल रहे हैं जैसे लग रहा है हटाओ। भाई हमारा फिल्टर यूज नहीं हुआ है, समझ में आया कितना हम नॉर्मल आ रहे हैं। देखो बिना फिल्टर के हम देखो थोड़ा गोरी दिख रहे हैं। अच्छा सॉरी, हेलो, अरे मान ही जाओ, पूरा सोशल मीडिया जान जाए कि तुम्हारे तुम्हारे बीच में गुस्सा है। सोशल मीडिया वाले के घर में भी झगड़ा बोला। ए भैया जब झगड़ा होता है ना तभी प्यार बढ़ता है, जाने कि नहीं सब है लोग, लेकिन ऐसे कोई करता है, मैंने बस एक लगेज बोला, इससे भी ज्यादा करते हैं। और उसके इसके लिए ये चले गए थे मार्केट सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे लगा घर ही छोड़ के चले गए। आप घर छोड़ के चले गए थे ना, नीम्बा नीम्बा राणा को मैसेज आया। आप किस लिए गए थे, मतलब गुस्से में गए थे कि ऐसे गए थे? हम तो ऐसे गए थे सामान लेने, लेकिन मुझसे क्या बोले मैं जा रहा हूँ अब रहो तुम आराम से। तो हर पति करता है डायलॉग बाजी, चलती किसी की नहीं है, किसी की नहीं चलती है। राजा दशरथ की नहीं चली अपनी तीन बीवियों में से कैकेयी के आगे, राम को भेजना पड़ गया वनवास हार मान के। गाइस अब मैं मान गई हूँ और जा रही हूँ मैं खाना खाने। ये देखो आराध्या मुझे खिला रही है, कह रही है माँ खा लो, ये देखो मेरी बेटी खिला रही है। यम्मी, थैंक यू। एंड गाइस लड़ाई झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, और हमारा ऐसा कोई मतलब ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं गुस्सा नहीं होता हूँ तुमसे कभी भी, और हमारा वैसे भी झगड़ा जब भी होता है हर हस्बैंड वाइफ में होता है, लेकिन हमारा झगड़ा जब भी होता है आधे घंटे के लिए होता है। तो मैं बता रही हूँ 9 बजे हमारा झगड़ा हुआ था और 10:30 तक ख़त्म हो गया, शट अप। और आप लोग भी प्यार मोहब्बत से रहिए और हम लोग भी रहेंगे, ओके।
और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, अपना ख्याल।